वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं श्री रेणुका जी के बारे में। इसका नाम है श्री रेणुका शुगर लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर पहले भी कई बार वीडियो बना चुका हूं, तो आज इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाने का मेन कारण ये था कि आज इस शेयर में एक अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिला है और इस शेयर ने अपनी जो डे की क्लोजिंग दी है वो 4.8% डे हाई पे इसने अपनी डे की क्लोजिंग दी है और करंट प्राइस इसका 29.10 रुपीज़ है। तो अब फंडामेंटल के ऊपर मैं काफ़ी बार वीडियो बना चुका हूँ, आपको बता भी चुका हूँ, तो सिंपल है, लॉन्ग टर्म अगर आपका प्लान है तो मत रखना, ट्रेडिंग का रखो तो वो बेटर है। जैसा कि अभी जो इसका करंट प्राइस है, अगर कोई जैसे कि आज तेज़ी आई है, अभी किसी ने बाय नहीं करना, अगर कोई न्यू बायर है मेरे हिसाब से उसे इस शेयर को तब तक बाय नहीं करना जब तक 2 या 3 दिन ये मिनिमम 2 डेज तो कम से कम 30 रुपये के ऊपर अगर सस्टेन करेगा उसी कंडीशन में इसे बाय करना। जो हमारा एसएल होगा वो होगा 28 रुपीज़ 30 पैसे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जब तक ये 30 रुपीज़ के ऊपर अपसाइड एक या दो दिन तो मिनिमम 2 डेज तो सस्टेन होना चाहिए और उस कंडीशन में ही न्यू बायर इसमें बाइंग करेंगे। जो हमारा एसएल होगा वो 28 रुपीज़ 30 पैसे का जो हमारा एसएल होगा, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसएल है अभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर 50 DMA का सपोर्ट है। इसे अगर इसने इसे ब्रेक करा तो उसी कंडीशन में कोई इसमें बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, तो ये आपने ध्यान रखना है जब तक 30 रुपये के ऊपर ही सस्टेन ना हो 2 या 3 दिन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए शेयर के। किसी भी शेयर में किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करो।